साबरा, खाना तैयार है? जी, खाना तो तैयार है, बस हैदर का इंतजार है। अभी तक कराटे क्लब से वापस ही नहीं आया। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वाले सलाम बेटा, आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा इंतजार है, आओ। अरे वाह, मसूर की दाल। शुक्र है खुदा का, ये भी मिल रही है, पर इस महंगाई ने तो नाप में दम ही कर दिया। शुक्र है अल्लाह, और तो और बिल ही सांस नहीं आने देते। बिजली का बिल जमा करवा दिया मैंने, गैस और पानी का बिल जब आएगा तो वो भी जमा करवा दूंगा। न जाने गैस और पानी के और कितने बिल आएंगे, महंगाई ने तो बिल्कुल कमर ही तोड़ दी। बेशक अम्मी। अबू जी इजाजत है, मुझे अब स्टडी करना है। ठीक है बेटा। माशाल्लाह, पढ़ाई पर बहुत तवज्जो दे रहा है मेरा बेटा। माशाल्लाह, मैं जानता हूँ हमारा बेटा इंशाल्लाह जरूर कामयाब होगा, उसके इल्म की शमा बहुत जल्द रोशन होने वाली है। आमीन। तुम कुछ खाओगे? आप खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। ओ आया भाई आया, ठहरो। आया भाई आया, ठहरो ठहरो, आ गया आ गया। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़। वालेकुम सलाम। आओ भाई करीम। भाई करीम, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो, खैरियत तो है ना? हाफिज़ साहब खैरियत नहीं है। क्यों? वो मेरे बेगुनाह बेटे को डकैती के इल्जाम में उठाकर थाने ले गए। कौन ले गया? एक नया थानेदार आया हाफिज़ साहब, पिछले 15 दिनों से उसने शरीफ आदमियों का नाक में दम कर रखा है। वर्दी पहनकर घुंटों की तरह धंधड़ाता फिरता है मोहल्ले में, और जिसे जी जाता है उठाकर ले जाता है। मोहल्लेदारों ने यह फैसला किया कि आपको साथ लेकर थाने जाएं और आप उससे बात करें। हाँ हाँ, तुम ठहरो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, मैं भी आता हूँ। साबरा जी, तुम लोग नाश्ता करो, मैं भी आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं अबू?
बेटे मैं करीम के साथ थाने जा रहा हूँ। इसके बेटे बिलाल को पुलिस वाले थाने ले गए पकड़कर। क्या किया उसने? तो फिर भी तो कह, हाँ डकैती मैंने मारी है। नहीं, तेरा बाप भी मानेगा। मेरा बेटा ये देखिए, बोल बोल, डकैती तूने की है। मैं कह रहा हूं कह कह। सर पूरे मोहल्ले के लोग आ गए थाने में इसके लिए, उनकी बात सुन लीजिए। जा रहा है 200 डॉलर लिखे। ओके सर। लगता है कि तुम लोग उस डाकू की सिफारिश करने आए हो। एसएचओ साहब, मेरा बेटा डाकू नहीं है, वो बेगुनाह है। दिलावर जी सर, वो बुड्ढा कहता है मेरा बेटा बेगुनाह है। इस बेवकूफ को तो ये इल्म नहीं कि आज के दौर में बेगुनाह सिर्फ वो है जिसके पास पैसा या किसी बुद्धि की पावर हो। यह आपकी गलत फहमी है थानेदार साहब। पैसा नमक की तरह होता है जो हाथ की गर्मी से पिघल जाता है। ओहदा ताकत ही नहीं, एक बहुत ही भारी जिम्मेदारी है। आप तो जानते ही होंगे कि फिरौन के पास भी बहुत पैसा था, ताकत भी थी, लेकिन नील की मौजों ने फिरौन को नहीं बल्कि हजरत मूसा के ईमान को पनाह दी थी। पैसा तो यजीद के पास भी बहुत था, ताकत भी बहुत थी उसके पास, लेकिन फतह नवासाए रसूल की हुई थी। बंदे आप बड़े मजे मालूम होते हैं। थानेदार साहब, ये मेरे अब्बू हैं, और जिसे आप उठा लाए हैं वो मेरा दोस्त है, और वे इन्हीं के पास कुराने पाक की हिफ़ाज़त कर रहा है। तो फिर आप अब्बू से कहो कि मस्जिद में जाकर कोई मोजज़ा आने की दुआ करें, ताकि इस बुड्ढे के बेटे को पैसों के बगैर बेगुनाह साबित कर दूं। थानेदार साहब, मौलवी साहब, ये आपकी मस्जिद नहीं, ये मेरा थाना बेहतरी इसी में है। यहाँ अपना खुतबा ना सुनाए, क्योंकि यहाँ मैं खतीब हूँ, यहाँ मैं खताब करता हूँ। ओए बुढ़े, इन सब के चक्रों में मत पड़। बेटा चाहते हो ना, 25,000 दे दो। 25,000? 30 लाख डकैती का पर्चा है। कई लाख खर्च करके भी अपने बेटे को छुड़ा नहीं सकोगे। थानेदार साहब, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे बेटे ने डकैती नहीं की। और डकैती नहीं की तो 25,000 मांग रहा हूँ ना। हैरत है थानेदार साहब, सबके सामने रिश्वत मांग रहा हूँ, यही कहना चाहते हो ना तुम? मैं अकेला नहीं खाता, सब खाते हैं, हमारे हमाम में सब नंगे हैं। तुम पूरे मोहल्ले को लेकर जाओ, शिकायत करो मेरी,
मेरा कहीं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओए बुढ़े, एक घंटे तक 25,000 ला सकता तो ले आ, वरना सारी उम्र पछताएगा। चल। बुड्ढे के लड़के को लेके आ। देखिए क्या हाल कर दिया मेरे बेटे का। अबू ये क्या हाल कर दिया इन्होंने। चीमे जैसा राशि, बदजुबान, बाद इखलाक पुलिस ऑफिसर मैंने पहली बार देखा था। इस पूरे सिस्टम का एक आईना था वो शख्स। आजकल की पुलिस वालों की तमाम तर खूबियां मौजूद थी उसके अंदर। हो गई है मुझसे जो पिछली दो रातों से तुम ना कोई बात कर रही हो। बोलो क्या बात है। क्या बात, तुम दो दिन से मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। यार एक्चुअली मुझे स्टडी करना होता है, तुम तो जानती हो 6-6, 7-7 घंटे लाइट नहीं आती। तुम्हारी लाइट आने नहीं और हमारी जाएगी नहीं। क्यों? अबू जनरेटर ले आए हैं ना, बता रहे थे 1.5 लाख में आए हैं ऑटोमेटिक। 1.5 लाख तो कुछ भी नहीं, अगर 10 का भी हो चाचा अफोर्ड कर सकते। एनडीए में 16 ग्रेड के अफसर है, बहुत नोट कमाते हैं वो। क्या मतलब है तुम्हारा? मजे का है, तुम भी लो। अब मूड दिखाने की वजह हैदर, ये जो कभी कभी तुम मुझे इग्नोर करते हो ना तो मुझे बहुत डर से लगने लगता है। जितना मजबूत रिश्ता है हमारा उससे कई गुना कमजोर एतमाद है तुम्हारा। अरे बेवकूफ, जब मोहब्बत पहले और एतबार बाद में हो तो मोहब्बत कमजोर होती है, और जब एतबार के बाद मोहब्बत हो तो मोहब्बत मजबूत होती है। शुगुफ्ता बेगम, भाई कहाँ चली गई सुबह सुबह? जी ओहो जी, फरमाइए। अब क्या फरमाना है,
शौहर बेचारा तो शादी के एक साल बाद तक फरमाता है, उसके बाद तो बीवी के ही फरमान जारी होते हैं और शौहर की ताबेदारियां। कहते हैं शौहर की ज्यादा फरमा बरदारियां बीवी के लिए शक की घंटी होती हैं। बहुत अच्छे, मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा नाम शगुफ्ता की बजाय शकूक बेगम रख दूं। बेगम, इस उम्र में शक करती हो जबकि शौहर बेचारा शरारत के काबिल ही नहीं रहता, सिर्फ बना सकता। अबू, आपका ऑफिस बैग। ओ माय स्वीट हार्ट, मेरी बेटी, मेरी बच्ची। लो भैया, शगुफ्ता बेगम, मैं जा रहा हूँ, बल्कि जा ही रहा हूँ। बेटा, आपके लिए मैं आड़ू लेकर आऊंगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई अब्दुल हफीज, आजकल किधर होते हो? लगता है कुछ ज्यादा ही मसरूफ हो गए हो तुम। बस क्या बताऊं भाईजान, दफ्तरी मसाइल में ही हर वक्त उलझा रहता हूं। कभी किसी फाइल की इन्वेस्टिगेशन, किसी की वेरिफिकेशन, वहीं दिन रात लग जाता है। हाँ भाई, यहाँ के गोरख धंधे ही ऐसे हैं कि इंसान इनमें इस तरह उलझ जाता है कि वो दीन और दुनिया सब कुछ भूल जाता है। मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ, इन बातों को छोड़िए, ये बताइए कि भाभी ठीक ठाक है? हैदर की तालीम कैसी है? तुम्हारी भाभी भी माशाल्लाह ठीक है और हैदर की तालीम भी ठीक चल रही है। अगर तुम्हें देर हो रही तो तुम जाओ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। भाईजान, बस वो जरा मोटरसाइकिल की वजह से ना जरा जल्दी। भाईजान, तुम माशाल्लाह तुम 16 ग्रेड के सरकारी अफसर हो गए हो, मोटरसाइकिल छोड़ो, गाड़ी खरीद लो, तुम्हारे लिए पैसों का तो कोई मसला होगा नहीं। पैसों के लिए तो अल्लाह का करम, मगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है की। मैं समझता हूँ सरकारी अफसरों के प्रॉब्लम को, उनके पास बहुत कुछ होते हुए भी वो कुछ दिखा नहीं सकते। मैं आपकी सारी बातें समझता हूँ। अगर समझ गए हो तो सीधे रास्ते पर भी आ जाओ मेरे भाई। भाईजान, आप तो अंडरपासेस बन गए हैं, मैं सीधे रास्ते पर जाता हूँ। अच्छा 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 भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बजट के खिलाफ रैली अपोजिशन की कॉल पर थी, आज तो इसमें 100-200 बंदे हैं। अगर ये तादाद लाखों में बदल गई तो हमारी कुर्सियों को उखाड़ देगी। भून दो इन्हें। ओके। दहशतगर्दी ने हमारे मुल्क को खोखला कर दिया। बहरहाल इस रैली में, बल्कि इस रैली के शोधा के लवाकीन को 5-5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी।
और जो भी इस दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, फाइंड इट, जो भी इस दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है उसको सख्त सजा दी जाएगी। आई विल नेवर टॉलरेट एनीबॉडी। मिस्टर जट्ठा, रैली पे फायरिंग करने वालों को हमारे खुफिया अड्डे पे पहुंचा दो। ओके सर। सर जी, अगर 24 घंटों में स्वाके के मुजरिमों को गिरफ्तार ना किया गया तो हमारी पेटियां उतरने से कोई नहीं बचा सकेगा। चीफ मिनिस्टर साहब का सख्ती से ऑर्डर है। नो टेंशन। 24 घंटे तो कल पूरे होंगे, मुझे तो मैं आज ही गिरफ्तार कर लूंगा। बल्कि अभी गिरफ्तार कर लूंगा। निशोधर, किधर से आ रहे हो? एकेडमी से। किधर जा रहे हो? घर जा रहे हैं सर। झूठ बोलते हो? आप लोगों को पता नहीं आज रैली में बेगुनाह कत्ल हुए हैं। जी, क्या मतलब? मतलब क्या, मैं फारसी बोल रहा हूं? तमाशे करते हो और मासूम भी बनते हो? मतलब क्या है? ओए दरोगर। यस सर। ए, इनको गाड़ी में बिठाओ। क्यों? ले चलो इन्हें। क्यों? क्या बदतमीजी है? अच्छा लगे ना कि चल। ओए गाड़ी अपने कब्जे में करो। अरे चल, गाड़ी में बैठ। यार साजिद, तू जरा दुकान देख, मैं अभी आता हूं। हाफिज साहब, हाफिज साहब। कौन है? हाफिज साहब, आपके बेटे और उसके दोस्तों को पुलिस उठाकर ले गई है। पुलिस पकड़ कर ले गई? इंस्पेक्टर साहिब, आप क्या कह रहे हैं? आप फायरिंग की बात करते, हमें तो मोजर तक नहीं चलाना था। अच्छा, भाई से चलता है। क्यों, कैसा लगा? देखिए सर, नो रिक्वेस्ट। अगर सीधी तरह नाम आने तो मेरे पास एक ही रास्ता है, जानते हो क्या? पुलिस वाले उस रास्ते को एनकाउंटर कहते हैं। थानेदार साहब, सलाम अलैकुम। आइए मौली साहब, आइए। ओए दलावर, कुर्सी दे मौली साहब को। अच्छा जी, बैठो बैठो मौली साहब। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे आना हुआ थाने में? थानेदार साहब, आपने बच्चों को क्यों पकड़ा हुआ? ओहो, बड़ा घृणा जुर्म किया। क्या जुर्म किया इन्होंने? बजट के खिलाफ होने वाली रैली पर फायरिंग की। ये बच्चे तो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? भटकने पर आए तो पैगंबर का बेटा भटक जाता है। आप तो मल्ले के मौलवी साहब हैं। जी, मैं तो अल्लाह का एक हकीर बनता हूं। मेरी सारी दौलत, मेरा यही बेटा है। मैं आपसे दरखास्त करता हूं, इन बच्चों को छोड़ दे। छोड़ नहीं सकता। 24 घंटे के अंदर अंदर रैली पर फायरिंग करने वालों को
अरेस्ट करने की वार्निंग दी गई है मुझे। आपने कहावत नहीं सुनी, बंदरिया के पांव चलने लगे तो उसने अपने बच्चे अपने पांव के नीचे देकर मार दी। आपके बेटे और उसके दोस्तों से तो मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं। देखिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस हादसे से इन बच्चों का कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है या नहीं है मुझे ऐसे कोई सरोकार नहीं। हाँ अगर आप डील करना चाहते हैं, डील हो सकती है। डील? मैं समझा नहीं। मैं भी कुछ नहीं समझा। तो फिर यहां क्यों आए हो, क्या काम है तुझे? बोल, इधर आओ, ले चले सबको डॉक्टर से। ठहरिए, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तुम कौन हो? अच्छा तो तुम अड्डी के लुटेरे हो? जी हाँ, मैं वहां हूं और आप यहां, पर आप जरा इस तरफ होकर मेरी बात सुन सकते हैं? ये एक छोटी सी अमानत थी आपकी मेरे पास। क्या है? 2,50,000 रुपए। आइए मौलवी साहब, लगता नहीं ये शरीफ आदमी आपका भाई है। और कुछ सीख इससे, माफी चाहता हूं। ओए दलावर। जी सर। छोड़ दे कबूतरों को। ठीक है सर, जाओ भाई, तुम आजाद हो। आइए। तुझे क्या किया था तूने? मेरा जुर्म यह था कि मेरा कोई जुर्म नहीं। ये मुआशरा, ये मुल्क, ये सिस्टम ही कुछ ऐसा है। यहां पे सबसे बड़ा गुनहगार उसी को समझा जाता है जो बेगुनाह हो। कबूतरों का काला रंग देखकर रंज नहीं किया करते बेटा। रंज? रंज नहीं अबू, शर्म फील हो रही है मुझे। इस मुआशरे के फर्द होने पर, इस सिस्टम में जिंदा रहने पर। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, नीचे से ऊपर तक बिगाड़ दो कुछ गंदे लोगों और गलीज सोच रखने वालों की वजह से इस मुल्क का सारा सिस्टम गटर बन चुका है। और यूं लगता है जैसे कोई साफ करने वाला भी नहीं है। लेकिन तुम परेशान मत होना, ऐसे हादसात और तकादीर इंसान को बहुत कुछ सीखने का मौका देती है। बहुत कुछ सीख चुका हूं अबू। यहां पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम है। अंग्रेजों से आजादी दिलवाकर चंद बड़े खानदानों की गुलामी में दे दिया गया हम सबको। आजाद रियासत के नाम पे मजाक किया जा रहा है सबसे। हजार वर्ष पहले जंगी कैदियों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं होता होगा जैसे कि सिस्टम चलाने वाले अपने आजाद लोगों के साथ कर रहे हैं। इस मुल्क की धरती तो आज भी पाक है बेटा, रहने वाले गंदे
یہاں ہر کوئی ملک کے سسٹم اور معاشرے کے غلط ہونے کا ڈھنڈورا تو پیٹتا ہے لیکن خود کوئی اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتا. اس ملک کا طالب علم تعلیم اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ سرکاری نوکری حاصل کر سکے, اور سرکاری نوکری اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہے کہ رشوت حاصل کر سکے. افسوس, ہمیں یہ سمجھنا ہوگا بیٹا کہ ہمارے ملک کا ہر چھوٹا بڑا گھر پاکستان ہے. اگر ہر کوئی اپنے اپنے پاکستان کو ٹھیک کر لے تو پورا ملک بلکہ سارا سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے. میں نے سوچ لیا ابو, میں اپنی تعلیم کو ملک کی بہتری کے لیے استعمال کر کے دکھاؤں گا. شاباش بیٹا, شاباش. مجھے تم سے یہی امید تھی. جزاک اللہ, حق کی آواز نے بھی گواہی دے دی. جزاک اللہ. تھینک گاڈ تم اتنے بڑے جرم میں ملوث ہونے سے بچ گئے. تمہارے ابو نے بہت پیسے خرچ کیے ہیں مجھے بچانے کے لیے. احسان تو نہیں کیا نا, خون کا رشتہ ہے تمہارے ساتھ. اور وہ کیا مثال ہے کہ ناخن سے کبھی گوشت الگ نہیں ہوتا. What a beautiful girl. اس کا بوائے فرینڈ ساتھ ہے یار. ارے چھوڑ یار, تجھے تو پتا ہے آج کل کی لڑکیاں بوائے فرینڈ ایسے چینج کرتی ہیں جیسے فارڈ روگ میں لٹکی ہوئی شرٹ چینج ہوتی ہے. حافظ صاحب, وہ کل کالے پان والے سے میں نے ایک بات سنی تھی. کیا سنا ہے آپ نے؟ وہ یہی کہ وہ راشیا صاحب جو ہے نا, وہ آپ کے بیٹے حیدر کو اٹھا کے لے گیا تھا. ٹھیک سنا. مگر حافظ صاحب, آپ کا بیٹا حیدر تو ایسا ویسا ہے ہی نہیں ہے, تو پھر وہ اسے کیوں لے گیا؟ دراصل وہ تھانے دار روزانہ کسی قانون کے مجرم کو نہیں بلکہ کسی بے گناہ کو ڈھونڈتا ہے اپنی رشوت کے لیے. قانون کی وردی میں شیطان صفت انسان ہے وہ, ایک درندہ. لوگوں سے اس طرح رشوت مانگتا ہے کھلے عام جیسے وہ اپنا حق مانگ رہا ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیک ہدایت دے. کیا بات ہے تھاندار صاحب, کیوں آئے ہیں آپ لوگ یہاں؟ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تم یہاں منشیات کا دھندہ کرتے ہو. لا حول ولا قوۃ, کیا کہہ رہے ہیں؟ سر جی, مولوی صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ہم شیطان ہیں, ان کے لا حول ولا قوۃ پڑھنے سے ہم بچ جائیں گے.
तो अपनी बात बात बंद कर। तूने मुझे शैतान बोला? पूछता हूँ तुझे, वही दिलावर। जी सर। घर की एक एक चीज का चेक कर। ठीक है जी, आ भाई। जी सर। सर जी, हीरोइन निकली है जी, और वो भी मुकद्दस किताब के नीचे से। शख्सियत तुझे तो शर्म आनी चाहिए मौलवी। हीरोइन छुपाई भी है तो वो भी मुकद्दस किताब के नीचे। आखिर कुछ मत कहना, तूने जो करना है वो कर लिया, अब मुकद्दस किताब ही फैसला करेगी। आज नहीं तो कल, यहां नहीं तो वहां फैसला जरूर होगा। तुम अंदर जाओ साबरा, इसका और मेरा मामला मुकद्दस किताब कुरान हकीम फरकान हमी पर है। ये जो करता है इसे कर ले दो। तुम अंदर जाओ। दलावर। जी सर। इसको लेकर आओ। अरे वाह, सच्चा, बिल्कुल नंबर वन, जरा भी मिलावट नहीं। ओ सर जी, मौलवी लोग मिलावट को गुनाह समझते हैं। ओए मौलवी, तू तो ऐसे मुतमइन खड़ा है जैसे तूने कुछ किया ही नहीं, ना चेहरे पर खौफ ना माथे पर मिलान, ना आंखों में अपने काले करतूतों की शर्म। शर्म तो आ गई मुझे, लेकिन अपने किसी अमल पर नहीं, तुम जैसे लोगों की बदअमली पर। खौफ है मुझे सिर्फ अपने खुदा का खौफ, और जिसके दिल में खुदा का खौफ हो, तुम जैसे भटके हुए लोगों से खौफ सता नहीं होता। तुमको जो करना है वो कर लो। मेरा तकवा मेरे रब पर है, जिसके बस में मेरी सजा भी है और जजा भी। न कल क्यामत का दिन है न परसों यौम हिसाब, इसमें बहुत टाइम है अभी। उस वक्त का सोच मौलवी, इस वक्त तेरी सजा का इख्तियार मेरे पास है, तेरी इज्जत सिरकत मेरे हाथ में है। खैर, तुझे यहां तलावत सुनने के लिए नहीं बुलवाया। मुजरम हो, क्या जुर्म किया है मेरे बाप ने?
तो नहीं जानता? तो सुन, तेरा बाप हेरन फ्रोश है। ये झूठ है, इल्जाम है। मेरे बाप इज्जत उछालने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा भी अपने बंदों को बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देता, और आप हमें हमारी बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। धमकी देता है मुझे। अब तेरी हल्क से आवाज निकली ना, तेरे बाप के साथ तुझे भी अंतर कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, ये आप मेरे भाई साहब को यहाँ क्यों लेकर आए हैं? तेरा ये बड़ा भाई हेरन बेचता है, ऊपर मस्जिद में बैठकर राशि बोलता है मुझे। इंसान के रूप में शैतान का इसने मुझे, कानून का जंगल का कानून और जानवर बोला इसने मुझे। चलिए कोई बात नहीं, माफ कर दे, आइंदा ये ऐसा नहीं कहेंगे। ये माफी शाफी अपनी बीज पर मैं ब्रीफ नहीं करता, बस एक हस्ती है जिसका मैं एहतराम करता हूं, वो है कायदे आजम। अगर वो सिफारशी है तो मान जाऊंगा। हुक्म कीजिए। आपसे तो फिक्स है हाफिज साहब, भतीजे और दोस्तों को छुड़ाने के लिए जो पहले दिया था वही दे दो। हम आपके करीबन रेगुलर क्लाइंट हो चुके, कुछ डिस्काउंट होना चाहिए। ये कबूल कीजिए। चलो बेटा आइए भाई। मैंने न्याज बांट दी है, आप उठें और हैदर के चचा के घर भी गए। हैदर कहाँ है? उसे भेज दो। क्या हो गया आपको? आप घर से बाहर भी नहीं निकलते, किसी से मिलते भी नहीं, मस्जिद जाना भी छोड़ दिया है आपने। तुम नहीं जानती साबरा, शर्मिंदा होकर जीना कितना मुश्किल होता है। उस मर्दूत पुलिस वाले ने मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया कि मैं वो इल्जाम था
ये आप भी जानते हैं और सारे मोहल्ले वाले भी। कई दफा तो आ गए आपको मनाने कि आप मस्जिद में दोबारा से आ जाएं। इमामत का भरम भी छीन लिया मुझसे उस मनहूस पुलिस वाले ने। हैदर बेटा, ये नियाज अपने चचा के घर दे हो। अच्छा मीजी। जो मुंह में आता है बक देती हो, कुछ ख्याल किया करो। जवान बच्ची है, उसके बारे में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अरे मैंने कौन सी गलत बात कह दी है? जो देखा है वही कहा है। मैंने उसकी आंखों में हैदर के लिए मोहब्बत देखी। आंखें फोड़ दूंगा मैं उसकी अगर उसने हैदर से शादी का ख्वाब भी देखा। शगुफ्ता बेगम, उनके घर में है क्या? शराफत? शराफत से तो पेट नहीं भरता। और दोनों बाप बेटा खुददार भी गजब के हैं। जब दोनों बाप बेटों को पुलिस थाने पकड़ कर ले गई थी, वहां उनकी शराफत काम क्यों नहीं? मैं छुड़ा कर लाया हूं दोनों को, लाखों रुपए रिश्वत दी है मैंने। शगुफ्ता बेगम, तू मां है, अपनी बेटी को अपनी जबान में समझा दे। उस घर का सोचे भी ना, वहां जाएगी तो भूखी मरेगी, उस घर के फाकों का मुकाबला न कर पाएगी। और वैसे भी मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। बता देना उसे कि आज के बाद अगर उसने हैदर का सोचा भी, तो मैं अपने हाथों से गला दबाकर मार दूंगा उसे। क्या बात है, तुम दो दिन से मुझसे मिलने छत पर क्यों नहीं आ रहे? शायद हम दोबारा अब कभी ना मिल सके। क्यों? क्योंकि आज मैंने तुम्हारे अबू की बातें सुन ली। वो मुझे और मेरे अबू को अच्छा नहीं समझते। पर मैं तो समझती हूँ ना। तुम्हारे अबू हमारे फाके घर में तुम्हें बयाने से पहले तुम्हारा गला घोंट के मार डालेंगे। मर गई तो अलग बात है, जिंदा रही तो तुम्हारी होकर जीऊंगी, तुमसे शादी करूंगी, चाहे घर से बाकी क्यों ना करनी पड़े। सारा वक्त को मैंने अपना खून पिलाया है एजुकेशन के लिए, और जितनी भी किताबें पढ़ी उनमें घर से भाग के शादी करने का सबक कहीं नहीं दिखाई दिया मुझे। हैदर, मेरी बात समझने की कोशिश करो, इसके सिवा कोई चारा नहीं है हमारे पास। मेरे अब्बू मेरी शादी कहीं और कर देंगे। कभी नहीं सारा, कभी नहीं। एक दिन तुम्हारे अब्बू खुद तुम्हारा रिश्ता लेके आएंगे। हैदर, तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम कहीं जा रहे हो बेटा। जी अबू। कहाँ? आपके ख्वाबों की ताबे ढूंढ, अपनी मंजिल की जानिब। वापस कब आओगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। Thank you.
मेरे लिए दुआ कीजिए गब्बू, मैं इस सिस्टम के साथ नहीं चल सकता, इस सिस्टम को अब मेरे साथ चलना होगा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा, अल्लाह तुम्हारी मदद करे, जाओ, अल्लाह हाफिज। Open the door. जुर्म को स्पॉट करने वाले सिस्टम का बागी, हमारी बगावत बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। बताओ हमारा माल कहाँ है? माल माल खाने में, और माल के मालिक बहुत जल्द मुर्दा खाने में। ये तो बता, तू है कौन? ASP हैदर अली, बगावत शुरू हो चुकी है, मैं इस सिस्टम के साथ नहीं चल सकता, इस सिस्टम को मेरे साथ चलना होगा। अम्मी, हैदर,
इधर। हैदर, ये हकीकत है या हम कोई ख्वाब देख रहे हैं बेटा? ये ख्वाब नहीं, आपके ख्वाबों को तबीर मिल गई। तुमने इतनी बड़ी खुशी हमसे छुपा के क्यों रखी बेटा? सरप्राइज देना चाहता था कुछ बन के आप दोनों के सामने आओ। जो दुआएं आपने और अम्मी ने बरसों से मेरे लिए मांगी थी वो आज कबूल होगी और उनका नतीजा आप दोनों के सामने। मुबारक भाई साहब, मुबारक, बहुत बहुत मुबारक भाई साहब। तुम्हें भी बहुत मुबारक। भाभी आपको भी मुबारक हो। आपको भी भाई साहब मुबारक हो। भाई बेटे तुमने तो हमारा कद बढ़ा दिया। चाचा, इंसान बड़ा होकर भी अपने पालने वालों से बड़ा नहीं होता। भाई ये तुम्हारी फर्मा बर्दारी का तज़किरा तो हमारे घर में हर वक्त होता रहता है। अल्लाह तुम जैसी औलाद सबको दे। सुन रही हैं आप? बस अब मेरी एक ही ख्वाहिश रह गई है कि मैं अपने बेटे हैदर के सर पे बहुत जल्दी सेहरा देख लूं। भाभी आपने तो मेरे मुंह की बात अपने मुंह से अदा कर दी है। मैं भी यही सोचता रहता हूँ कि सारा के फर्ज को जल्दी से जल्दी पूरा कर दूं। बस अगर भाई हाँ कह दें तो मैं अपनी बच्ची को आपकी बहू बनाकर इस घर में भेज दूं। ये उसके लिए भी खुशकिस्मती की बात है और मेरे लिए भी। अरे भाई ये तो हमारे लिए भी खुशी की बात है कि सारा हमारे घर की बहू बनेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है बेटे? जी अबू, शादी के मामले में मेरा मशवरा नहीं, सिर्फ आपका फैसला चलेगा। हाय बेटे तो नेकी और पूछ पूछ। मैं बाजे वालों को कहकर अभी आया। अरे भाई रुको तो सही, इतनी जल्दी भी क्या है? शादी के लिए कुछ इंतजाम भी तो करने होंगे। भाई साहब ये मेरा भी भतीजा है, सारा कुछ खर्चा मर्चा मैंने ही करना है। तो फिर देर किस बात की है? दो चार दिन बाद दोनों बच्चों की शादी कर देंगे। मैं बाजे वालों को अच्छा बात में कर रहे। देखिए बैठे तो सही आप, उनकी बुकिंग ज्यादा होती है। बैठ के बात कर लेते। चलो आओ भाई आओ। सर ये नया एसपी कौन आ रहा है? एक नया परिंदा है, आने के बाद चार दिन बहुत ऊंची उड़ान उड़ेगा। आखिर हम जैसे खड़गेंचों के सामने थक हार कर बैठ जाएगा। ये बात तो है सर, आपके सामने भला कौन खड़ा हो सकता है? वेदर मेरी पैंट सट गई। रिलैक्स जीमा, रिलैक्स। कल गुजर चुका है, आज डूब जाएगा, हमें आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। फॉलो मी। जिमी मेरे लिए ठंडा दूध छोड़ा लाओ। ओए यस सर, रोटियां खाई जाना है, दूध छोड़ा ला के। ओके सर। हेलो
जिमी। जी सर। थाने के तमाम रिकॉर्ड लेके आओ। अच्छा सर। लगता है गरीबों की शिकायतों पर धूल जम चुकी है। गरीबों के साथ ऐसा ही होना चाहिए जैसा तुम करते हो। वर्दी मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ ये आसानी से नहीं मिलती। जिंदगी के कितने साल देने पड़े मुझे यहां तक पहुंचने के लिए, और यकीनन तुमने भी कुछ ना कुछ तो दिया होगा। मुझे तुम्हारी एक और बात बहुत अच्छी लगी। साफ खाते तुम अकेले नहीं, मैं भी खाऊंगा। और कैसे खाऊंगा ये तुम्हें भी सिखाऊंगा। यहां के तमाम क्राफ्ट और जराइम पेशा लोगों को तो तुम जानते होगे। नो सर। इनकार नहीं जिमी। सांप को सांप की नस्ल के बारे में मालूम होता है? जी सर मालूम है। जब अगली दफा मैं थाने आऊं तो वो तमाम लोग यहां मौजूद हों। यस सर। उन्हें अरेस्ट नहीं करना, आइंदा जीने की शर्तें बतानी है। मुझे तुम्हारी एक और बात बहुत अच्छी लगी, जानते हो क्या? क्या सर? सच्चाई के मुंह पे तमाचा। याद है? सॉरी सर। आई डोंट माइंड। भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अब मेरी बच्ची आपके हवाले। तुम्हारी बेटी हमारी बेटी अब्दुल हफीज, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। चले एक मिनट हैदर बेटे, मेरी तरफ से तुम्हें ये 0 मीटर गाड़ी की चाबी मुबारक हो। मगर नहीं, ये तो चिंगची की चाबी है, किसी ने अमानत रखवाई है मेरे पास। ये है 0 मीटर होंडा की चाबी, मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। तकल्लुफ की क्या जरूरत है अब्दुल हफीज? तकल्लुफ नहीं अबूजी, चाचा जी ने तो मेरी बेइज्जती कर दी। नहीं बेटा, इसमें बेइज्जती की कौन सी बात है? चाची अब मैं एएसपी बन के भी ऐसी छोटी सी होंडा में जाऊंगा, ऐसी 10 गाड़ियां मेरे इशारे पे खड़ी हो जाएं। बेटा मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो? चाचू जी आपको तो खुश होना चाहिए, मैं भी दुनियादार हो गया। ये तुमसे मजाक कर रहा है अब्दुल हफीज। अब्बू जी आप बीच में ना आइए, ये तो दो दुनियादार चाचे और भतीजे का मामला है। क्यों चाचू जी? मैं माफी चाहता हूं बेटा, मुझे पता नहीं था कि तुम ये होंडा गाड़ी पसंद नहीं करते। तुम ऐसा करना, कल ही शेख अमीन के शोरूम चले जाना, वहां जो गाड़ी भी पसंद आए वो ले लेना। ओ शेख अमीन, वही जिसे 2 करोड़ की जमीन 2 नंबर तरीके से। अच्छा हैदर बेटा, बाकी बातें फिर कर लेना, अभी देर हो रही है, घर चलो। वैसे भी तुमसे मजाक कर रहा था अब्दुल हफीज। चलो चलो बहू को ले चलो। बेटियां और चिड़ियां इसी तरह चली जाती हैं।
जानेमन, याद है मैंने कहा था एक दिन तुम्हारे अब्बू तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में खो देंगे। अपनी जीत पर इतना भी मत इतराओ, वरना वरना क्या रूठ जाओगी। ऐसा मत करना, अब रूठने और मनाने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, मेरे कंधों पे बहुत सी जिम्मेदारी है। सर जामी गुड हेरोइन का बिजनेस शहर के तमाम कॉलेजेस में इनका माल बिकता है। नौमी बात, नाजायज असली का कारोबार करते हैं। शेख साहब जाली ग्रंथी छापते हैं, कब्जा माफिया ग्रुप के सरगुना शामी साहब, और दोस्तों ये हैं हमारे साहब और मेरे माई बाप इस इलाके में नए एएसपी हैदर साहब। डरने भरने की कोई जरूरत नहीं, जो कार्य करो बिना खौफ बिना झिझक। लेकिन लेकिन क्या, 1 करोड़ की हेरा फेरी से 35 लाख मेरा और 10 लाख जिमी का, इसके बदले में तुम सबकी ब्लैक मनी को वाइट करना और तुम सबकी प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेदारी। वो कैसे? तुम्हारी तमाम ब्लैक मनी होंडी के जरिए बाहर भेजी जाएगी और फिर हम डिफरेंट वेलफेयर के दायरे कायम करेंगे और फिर वही पैसा डोनेशन के जरिए उन वेलफेयर्स में मंगवाएंगे। और अगर तुम में से किसी ने भी मुझे इन्फॉर्म किए बगैर कुछ किया एनकाउंटर में मार दूंगा। मेरी एक सोच है जिसके जीने का कोई फायदा ना हो उसके मरने का कोई नुकसान भी नहीं होता। अगर मेरी सोच के साथ चलना है तो हाथ उठाओ। सब साथ साथ हैं। ओके जिमी। यस सर। एक खुशी तो इन सब दोस्तों के मिलने की है और दूसरी खुशी ये है कि मेरी शादी होगी। मुबारक हो। मुबारक। शाह साहब जी वाह जी वाह, फिर तो आपको मुबारक हो। खाली मुबारक से बात नहीं चली, इन सब के लिए जश्न का इंतजाम करो जी। अपनी पॉकेट से। जी 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 जी। सबको मिलने के बाद एहसास हुआ कि इंसान इंसानियत से कितना दूर जा चुका है, ये सिस्टम किस कदर एक जहर बन चुका है, और इस सिस्टम में जीने के लिए ये जहर मुझे भी पीना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया कमजोर लोगों के लिए नहीं। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, कुछ और होते जा रहे हैं।
वही हो, बिल्कुल पहले के जैसा। वही कद, वही वजूद, वही चेहरा, वही भेजा। ताकि मैं हूँ तुम सब। धोखा तो आप दे रहे हैं सबको, या फिर खुद को। मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी टेंशन लेने की जरूरत तुम्हें नहीं। कहाँ जा रहे हो हैदर? ड्यूटी पर। वापिस कब आओगे? एक सिपाही ड्यूटी पे जाने का वक्त बता सकता है, वापस आने का नहीं। हम किसी सिपाही से वापस लौटने का नहीं, बल्कि अपने बेटे हैदर से वापस लौटने का पूछ रहे हैं, जो काली वर्दी की स्याही में कहीं गुम होकर रह गया। काली वर्दी की स्याही में गुम होने वाला आपका बेटा हैदर अगर किसी मोड़ पर मिला तो कह दूंगा आपके पास वापस लौट आए। अभी मैं जल्दी में हूं। गुड नाइट। अबू, हैदर। हैदर कहीं दूर चला गया बेटा, हमसे बहुत दूर, अपने मजहब से दूर, दुनिया के झमेलों में कहीं खोकर रह गया वो। चल। मुझे पता कर रहा तू कहाँ था। ठीक है, ओके। कौन है? तेरा बाप बोल रहा हूँ जिमी। सर, तुम किधर हो जिमी? सर, वो आपकी भाभी। नो नो, नहीं 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 नहीं, आपकी बीवी। नहीं नहीं सर, मेरी बीवी। सर, इस वक्त मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। सर, इस वक्त मेरी बीवी बड़ी सख्त। सर, मैं अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल आया हूँ, डॉक्टर के पास। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं सर, मुझे मेरे बच्चों की कसम। कसम नहीं जिमी, कसम नहीं। कसम झूठे आदमी का वो हथियार है जिसे वो झूठ को सच में बदलने की कोशिश करता है। तुम इस वक्त स्नाइ स्टार होटल कमरा नंबर 501 में अपनी तीन बहनों के साथ हो। फौरन पुलिस स्टेशन आओ, यानी 20 मिनट। और हाँ, मेरे कुछ मेहमान मुझसे मिलने आ रहे हैं, उनके लिए मटन कढ़ाई और कोल्ड ड्रिंक ले आओ। बेटा सर। देसी घ्यो विच मटन पकाउणा, इनू लसण दा तड़का लवाउणा, गरम रोटियां सलाद बनाउणा, ए सब कुछ ल्याउणा सौखा है, पर सब मनाउणा औखा है, पर सब मनाउणा औखा है। इन सब को जानते हो? जी साहब, ये सब हमारे साहब हैं। जी, ये कभी तुम्हारे मुलजम भी थे। तुम इन सब को और मुझे
उठा लाए थे और रैली फायरिंग केस में जबरदस्ती मुलव्वज करना चाहते थे। अजीत साहब बस गलती हो गई, आप माफ कर दें। आपने और भी बहुत सी ज्यादतियां की हैं। और जी मट्टी डाले जो हुआ उस पर आप खाना शुरू करें। खालस देसी घी की मटन कढ़ाई बनाकर लाया हूँ। जिमी तूने थप्पड़। साहब जी, साहब जी आप मेरा हाथ काट दो, मुझे जूतियां मार, पर बार बार थप्पड़ का ताना देकर जलील ना करें। कहो यार। चलो हेलो। जी 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 अच्छा 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 सर। वो हमारे पार्टनर हैं, आपको याद कर रहे हैं, हाजी टाप। कल दोपहर का टाइम दे दो। हाँ हाँ हो जाएगा, तुम कहो यार तो मैं उसे ऊपर पहुंचा दूं, क्या ख्याल है? तुझे बोल दिया ना, उस भड़वे के पास जा और जाकर पैसे लेकर। जिमी। यस सर। इन सब की शक्लों पर 12 क्यों बज रहे हैं? इस शहर का बहुत बड़ा गुंडा जेल से रिहा हो गया है और उसने आते ही हम सबको पैगाम भेजा है। क्या? 35% भत्ता मांगता है हमारी इनकम से। ओहो आलतू जलाल तू, आई बना घोटाल तू। मेरी मानो, उस बला को दे दो जो मांगता है। जिमी वो तेरा भैनोई है या तेरा साला जो तू इसकी इतनी वकालत कर रहा है? सर वो बिज है, बिज। कत्लों की सेंचुरी करने के बावजूद भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। जेल में रहकर भी मिनिस्टर लेवल के लोगों से पंगा लेता है। हाँ जी, तो फिर उसे फोन लगाओ और कहो कि आके अपना हिस्सा ले ले। गुलजारी साहब, वक्त जो बकना है। हम हाजी टावर पर हैं, आप आकर यहाँ अपना 35% ले लो। सुन शेख, मुर्दार के शिकार पर शेर नहीं आया करते, लूंबड़ ही काफी होते हैं। और सुन, मेरे आदमी 5 मिनट तक तेरे पास पहुँच रहे हैं।
गुलजारी के आदमी हो? हाँ। भत्ता लेने आए हो? हाँ। और अगर ना दूं तो? गुलजारी साहब को तो जानते हो ना, अगर इनकार करोगे तो तुम सबको मौत का तोहफा मिलेगा, मौत का। मेरा एक असूल है कि मेरा कोई असूल नहीं। बत्ताखोरों के इंजाम की इब्तदा तुम सब देख चुके हो और इंतहा भी देख लोगे। मैं इस सिस्टम के साथ नहीं चल सकता, सिस्टम को मेरे साथ चलना होगा। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। क्यों बता, किसने मारा मेरे आदमी को? किसने मारा मेरे आदमी को? ओ नहीं गुलजारी साहब, मुझ में इतनी हिम्मत कहां जी। किसने मारा मेरे आदमी को बता। कूल गुलजारी साहब, कूल। आओ आपको साहब से मिलने। रिलैक्स, ज्यादा गुस्से से दिमाग की शरियाने फट जाती है। जिमी। यस सर। गुलजारी को चेयर दो। आए माय बाप, यहाँ पे बैठे बैठे बैठे। ठंडा गरम पूछ। और बोतल ले गया। बोतल नहीं चाहिए मुझे, उस आदमी का खून चाहिए जिसने मेरे आदमी को मारा है। ये सर। इसके मुंह पे जनाटेदार थप्पड़ मार। सर आप मुझे क्यों मरवाना चाहते हैं? ये तो पहले ही खून पीने पर तुला हुआ। ये देख, जितनी बार मेरी उंगली हिले जी उतनी बार इसे थप्पड़ मार, एक भी बार मिस किया तो ये तेरी ब्लू फिल्म तमाम न्यूज चैनल्स को दे दूंगा। माय बाप बोतल भी है। चीची चीची। आज के बाद मेरे लोगों से पत्ता मत मांगना, वरना मेरी आदत है तुम जैसे गुंडों को मैं मारता भी नहीं और जीने के काबिल छोड़ता भी नहीं। पत्ता लेना है तो दूसरों से लो और मुझे मेरा 35% हिस्सा भी दो। अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, एक दोस्ती का, दूसरा दुश्मनी का। बोलो क्या चाहते हो? गुलजारे, मैं दोस्त होने के नाते तुझे एक मशवरा देता हूं। मेरे हिसाब से दोस्ती करो, ऐश करोगे ऐश। माय बेस्ट फ्रेंड।
सुना है तुम सब ने अपने अपने धंधों में सालों का सफर महीनों में तय किया है। जी मिनिस्टर साहब, पहले हमारा धंधा हमारे अपने ताकत के बलबोते पर था, अब हमारा धंधा एक दोस्त के जहन पर सवार होकर आसमानों पर उड़ने लगा है। कौन सा जहन? एएसपी हैदर। बला का जहन रखता है एएसपी हैदर। सदर में कायनात के सारे पेचो खम और कतरे में समंदर की गहराइयां ढूंढ लेता है। उसकी एडवाइस पर हमारा कारोबार भी अरूज पर है और ब्लैक मनी फाट। गुड। ऐसे जहन मजबूत सतूनों की सी हैसियत रखते, हम सियासतदानों को कुर्सियों के लिए करप्शन से कमाए हुए पैसों को वाइट करने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत होती है, हम उसे मिलना चाहते हैं। एएसपी को मिलने से पहले उसकी आदतों का जानना बहुत जरूरी है। वो एक ऐसी चट्टान है जो ताकत से नहीं सरकता, पैसे से पिघलता है। अपने इनकम का 35% उसे देना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम। हम सियासतदानों का ये सेवा होता है कि जब किसी ब्यूरोक्रेट या पुलिस ऑफिसर से बात करें तो पहले पैसे की जबान में बात करें। तुम उससे मुलाकात तय करो। आज रात हमारे फार्म हाउस पे। अमाम जैसे ज़हीन और चालाक दोस्तों को दोनों हाथों से लेने के आदी, एक हाथ से दोस्ती का हाथ मिलाते, दूसरा हाथ दौलत का हाथ मिलाते। You are my best friend. रही बात आपकी इस दौलत की, तो ये पैसा ये दौलत मेरे हाथों की मैल है। माचिस। मिनिस्टर साहिब, आपकी करेंसी की वैल्यू तो दिन ब दिन हमारे किरदारों की तरह गिरती जा रही है। आपसे दोस्ती की कीमत में मुझे कुछ ऐसे वांटेड लोग चाहिए जिन्हें मार के मुझे प्रमोशन मिले। नो प्रॉब्लम। हम अपने दोस्तों को खाली हाथ नहीं भेजते, आज ही तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर आज से ही आपका नाम हमारी बेस्ट फ्रेंड डायरी में शामिल हो जाएगा।
सिर्फ हमारा नाम ही नहीं, हमारे दोस्तों का नाम भी हो। मिनिस्टर साहब, इनका तारुफ करवाने से पहले एक बात जहन में रखिए कि हम छोटे चोरों से दोस्ती नहीं करते। हम भी कौओं से नहीं, गिद्धों से ताल्लुकात बनाने के आदी हैं। ये है आकिल शाह, चाइल्ड किडनैपिंग के मास्टरमाइंड। गुड लक। ये अकबर खान, प्योर टारगेट किलिंग के मास्टरमाइंड। और ये है मिस्टर भुट्टा साहब, ये ब्यूरोक्रेट है, सरकारी अराजी की करप्शन में 20-21 साल से है, कौम का खरबों डॉलर लूट चुके। और ये MPA चट्ठा साहब, इनके जुर्मों को जबान मिल जाए तो हश्र हो जाए। हाँ, हम सब का मकसद है ब्लैक मनी को वाइट करना। हम आपके मकासद पूरे करेंगे और आप हमारा मकसद पूरा करेंगे। चट्ठा भाई, हमारे वो जो जराइम पेशा अफराद है वो चारों आजकल कहाँ है? सर, वही चार जिन्होंने रैली पर फायरिंग की थी। हाँ, उन चारों की लाशें ASP हैदर के हवाले कर दो कल शाम। शिकारी को जंगल का रास्ता बता दे, शिकारी शिकार करना खुद जानता है। ये रही मेरी चाल। खेल तो बड़ा खेलो भाई। जिमी काशी, ओए किथे बड़े हो सालियो? ए, मैं हूं जीवा। ये तेरे साथ कौन है? ये हैं मेरे सीनियर, मेरे माई बाप, मेरे बॉस ASP हैदर साहब। इसे यहां क्यों लाए हो? ये मुझे यहां नहीं, मैं इसे यहां लाया हूं मेरे प्रमोशन के लिए। I mean कि मुझे ऊपर जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत है, तुम्हारी लाशों की सीढ़ी। जिमी, तू मेरे लिए सरदाई बना, मैं इनका एनकाउंटर करके आया।
सर, सरदाई हाजिर है। जिमी, तू तो जानता है मेरी एक प्रॉब्लम है कि मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। जिमी, थोड़ी सी तकलीफ तुझे भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैं इस सिस्टम के साथ नहीं चल सकता, इस सिस्टम को मेरे साथ चलना होगा। बहादुर पुलिस ऑफिसर्स ने दहशतगर्दी और कत्ल की वारदातों में मुलविस चार दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। इस मुकाबले की खास बात यह है, इसमें SHO चीमा मामूली नौयत के जख्मी हुए, जबकि ASP हैदर ने अपनी जान पर खेलकर इन चार दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ये वो दहशतगर्द हैं जिन्होंने बजट रैली पर फायरिंग की थी और ASP हैदर ने इन चारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया। ASP हैदर ने चार दहशतगर्दों को गोली मारकर पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया। हैदर, क्या यह खबर सही है? कौन सी खबर? यही कि तुमने चार दहशतगर्दों को गोली मारकर हलाक कर दिया? जी अबू, ये वही चार दहशतगर्द थे जिन्होंने रैली पे फायरिंग की थी और उसी इल्जाम में चीमे ने मुझे और मेरे दोस्तों का अरेस्ट कर लिया था। और जो हाथ कभी मुझ पर उठे थे, शायद वो हाथ अब दोबारा कभी उठ ना पाए। तुम फर्ज के रास्ते पर चल रहे होते तो मुझे खुशी होती बेटा, लेकिन लगता है तुम बदले की आग में चल रहे हो। इंसान हूं, फरिश्ता नहीं। मुझे वो दिन आज भी याद है जब हम बहुत बेइख्तियार थे। अब क्या बात, बाइख्तियार हो गए हो तुम? तुम क्या समझते हो इंसान के कांधे पर चंद फूल लग जाएं तो उसे सुरखाब के पर लग जाते हैं? बहुत ऊंची उड़ान उड़ने लग गए हो तुम, तो चार फूलों के गुमान में ईमान के पांच अरकान भूल गए हो तुम। दीन, ईमान, मजहब, सच्चाई आज के सिस्टम में नहीं चलते। आपको जब हीरोइन फिरोशी के इल्जाम में अरेस्ट किया था चीमे ने, तो चाचा ने 2.5 लाख रुपए देके चढ़वाया था आपको। वहां पे आपकी सच्चाई कुछ ना कर सकी, ना दीन और ना आपका ईमान। जाने दे हैदर के अबू, जाने दे इसे। हमारा बेटा बहुत बड़ा अफिसर बन गया ना, इतना बड़ा कि इसके वजूद के आगे हमारे हाथ बहुत छोटे हो गए। अम्मी, अम्मी ने कह, मुकद्दर चली कह मुझे। मुझे मालूम होता कि तू ऐसे रास्तों पर चल निकलेगा तो मैं कभी भी हाथ उठाकर तेरी कामयाबी के लिए दुआएं ना करती। हैदर, बहुत तड़पा रहे हैं आप। हम सबको याद रखना, आपके पास सिर्फ ओहदा रह जाएगा और बाकी सब कुछ खो देंगे आप, सब कुछ। अबू, मगर कुछ कहने की जरूरत नहीं, इतना याद रखो, अल्लाह को पाकर कभी किसी ने कुछ नहीं खोया और अल्लाह को खोकर कभी किसी ने कुछ नहीं पाया। तुम अल्लाह को खो चुके, अपना ईमान, अपनी शराफत, अपनी हकीकत, हत्ता के अपने वालिदैन, तुम सब कुछ खो चुके हो। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। थैंक यू चीमा, तुमने एनकाउंटर का केस मजबूत करने में मेरी मदद की।
अब कैसा है हमारा जख्म? सर, पट्टी आज खुल जाएगी। मुझे तो ऐसे लगा जैसे आप मुझे मार डालूंगा, है ना? जी। तू मौत से इतना डरता क्यों है? क्योंकि उस जान के लिए मेरे पास कुछ नहीं। तू बहुत सच्चा और बहुत अच्छा है। चल अब अपने तमाम दोस्तों के लिए पार्टी का इंतजाम कर और तमाम इंतजामात के बाद मुझे इन्फॉर्म कर। जिमी, तुम हमेशा जीना चाहते हो? जी जी सर। तो फिर हमेशा मरने के लिए तैयार हो। बहुत हो गया हैदर, बहुत जी लिया आपने अपनी मर्जी से, अब आपको हमारे लिए जीना है, हमारी मर्जी से। तुम्हारी मर्जी? रिजाइन कर दूं, छोड़ दूं ये पुलिस की नौकरी? यही चाहते हो तुम सब? ये वर्दी मिलने से पहले तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी मुझसे करने से बेहतर तुम्हारा गला घोंट देना चाहता था। बुरा समझते थे मेरे बाप को, मुझे। तो आप क्या समझते हैं? मैंने शादी आपसे नहीं, आपके ओहदे से की है। तुमने नहीं सारा, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मेरे ओहदे से ब्याह कर भेजा। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने ओहदे की वजह से। जो हाथ कभी मुझ पर चाया करते थे आज वो मेरे पांव तो पांव। हजाम आदमी से लेकर ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, कानूनदान, गुंडे, बदमाश, इस हैदर को कुछ नहीं समझते। जिस हैदर को तुम ढूंढ रही हो वो मेरा आज देखकर, मेरे आज के इख्तियार देखकर, मेरे सामने गर्दन झुका कर खड़े होते हैं। दूसरों को अपने सामने झुका हुआ देखकर इतराना भी तकब्बुर है हैदर। शट अप! तुम कौन होती हो? बीवी हूँ आपकी, पूरा हक है मेरा आप पर। अगर तुझे मेरी बीवी होने पर इतनी मलामत है तो तोड़ देंगे रिश्ता। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, चली जाओ। एएसपी हैदर, हैदर साहब, 400 अरब डॉलर की डोनेशन हमारे कायम करदा फलाई इदारे में आ चुकी है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? हम आज रात उसी फार्म हाउस में मिलेंगे जहां पे लास्ट टाइम मिले थे, और मैंने जिमी को भी कह दिया अपने तमाम दोस्तों को इनवाइट कर दे। ओके, जिमी की तरफ से दावत हमें मिल चुकी। ओके, सर पार्टी के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं, 8 बजे तक खाना भी रेडी हो जाएगा, सबको इनविटेशन दे दिए गए हैं। मेरे सर, शराब और शबाब का इंतजाम भी कर लिया है। मैं भी थोड़ी देर तक निकलता हूं। ओके सर। ओके। सुनो हैदर, अभी मैं जल्दी में, जो अभी कहना फिर कभी कह लीजिए, अभी मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना। मीटिंग से वापसी पर अपने रहने का भी इंतजाम करते हुए आना तुम, इसलिए कि अब तुम
जमीन के खुदाओं में शामिल हो गए, और ये छोटा सा घर अब शायद तुम्हारे रहने के काबिल नहीं रहा। तुम क्या समझते थे एएसपी कि जिंदा जमीनों की लाशों पे से गुजरकर इक्तदार हासिल करने वाले इतने बेवकूफ होते हैं कि तुम्हारे इरादों को न पहचान सके? 400 अरब डॉलर जो तकसीम होने थे इन लोगों में, वो सब मारे जा चुके। है तुमने मुझे, तेरा कर्ज चुकाने के लिए मैं मौके की तलाश में था, वो मौका आज मिला है मुझे। आज सिस्टम चेंज करने चला था तू, सिस्टम नहीं बदलेगा, मगर मैं तेरा तबादला अगले जहान कर दूंगा। जिमी साले, तुझे तो मारना भी नहीं आता, एकदम खुसरो की तरह मर्द नामर्द है तू। तुम जैसे सांपों से लड़ने से पहले मैंने अपनी रगों में इतना जहर डाला कि मेरा जिस्म जहर को बर्दाश्त कर सके।
और तुम लोगों को जहर ना देना भी मेरे प्लान का एक हिस्सा था। मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है $400 अरब के लिए। चट्टा चीमा और मिनिस्टर सबको जहर दे दिया, सबको जहर दे दिया। और बहादुर एसपी हैदर अपनी जान पर खेल के तुम तीनों को अंजाम तक पहुंचाए। जहर से तो तुम सब बहुत आसान मौत मर चुके, लेकिन मैं तुम्हें तड़पा के मारना चाहता था। तुम वो सौदागर हो जिन्होंने डॉलर की खातिर मेरे मुल्क की इज्जत को बेच दिया। तुम इस मुल्क के वो जंगलूत पुर्जे हो जिनको बदला जाएगा तो ये सिस्टम बदलेगा। सिस्टम के साथ नहीं चल सकता, इस सिस्टम को मेरे साथ चलना होगा। Thank you.
सियात पुलिस ऑफिसर साइंसदान और बहरों के जहाँबाग हो चुके हैं। दहशतगर्दी के इस पुरसरार वाक्य ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। अब हाँ सिस्टर, मरीज को होश आ गया जी। आप इनके घर फौरन इत्तला कर दें। ओके। अस्सलाम वालेकुम। आप हैदर के वालिद हैं? जी डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? एएसपी हैदर की हालत अब खतरे से बाहर है, इमरजेंसी में है, आपसे मिलना चाहते हैं, आइए। हैदर मेरे बच्चे, ये सब क्या हो गया? अगर ये तुमने, तुम ठीक हो ना बेटा? अब्बू अब बोलो बोलो बेटा, क्या बोलना है बोलो। अब्बू आपने खुद ही बोला था, ये सिस्टम एक गटर बन चुका है और इस गटर को साफ करने के लिए मुझे इस गटर में उतरना पड़ा। जब तक आपको बेटा हैदर जिंदा है, कोई भी मेरे मुल्क को नापाक नहीं कर सकता। तुमने साबित कर दिया बेटा, जिस मुल्क के बेटे अपने सरों की चराग अपनी हथेलियों पर सजाकर मुल्क के अंधेरे दूर करना जानते हो, वो मुल्क हमेशा जिंदा रहता है, आइंदा रहता है। हम सबको तुम पर बहुत फख्र है बेटा, बहुत फख्र है। कल तारीख तुम पर नाज करेगी। और मैं भी आप सबको यकीन दिलाता हूं कि अपने दामन पर लगे हुए तमाम दाग और धब्बे किसी अच्छे वॉशिंग पाउडर से धोकर अपने भतीजे की तरह जिंदगी गुजारूंगा। थैंक यू हैदर, थैंक यू सो मच। मैंने तुम्हें जो मिशन दिया था उसे तुमने जान पे खेल कर पूरा कर दिया है, लिहाजा डिपार्टमेंट ने तुम्हारी सर्विसेज को देखते हुए तुम्हें प्रमोट कर दिया है। वेरी वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, एक इस सिस्टम को बर्दाश्त करो, दूसरा जिम्मेदारी उठाओ और इस सिस्टम को बदल डालो।